नमस्कार। अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी प्रचंड नेतृत्व सरकार में विजय कुमार गच्छादार स्थान नहीं पावज का भेल संबंधी प्रसंग से। पुष्प कमल दहाल प्रचंड नेतृत्व सरकार में विजय कुमार गच्छादार स्थान नहीं पावज का भेल है। प्रधानमंत्री प्रचंड गच्छादार के मंत्री बाबा नाम सकारात्मक छला मुदा मधेशी मोर्चा के चेतावनी आ कांग्रेस इच्छा नहीं देखौने बाद गच्छादार स्वयं के सरकार में ल जाए के संभावना समाप्त भेल है। नेता सभक अनुसार प्रचंड सरकार में दू गोटे मात्र उप प्रधानमंत्री रहता, जय में कांग्रेस से उप प्रधान तथा गृह मंत्री विमलेन्द्र निधि आ माओवादी से उप प्रधान एवं अर्थमंत्री कृष्ण बहादुर महरा भ गेल छथि। मुदा गच्छादार के नई लेने बाद हुनक पार्टी फोरम लोकतांत्रिक के सरकार में ल जाए के संभावना कायम है। प्रधानमंत्री निकट स्रोतक अनुसार अखन से हो गच्छादार के पार्टी फोरम लोकतांत्रिक के लेल दू मंत्रालय छुट्याल गेल है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण लोड सेटिंग घटौलक अछि। आई से लागू होब जका विद्युत प्राधिकरण प्रकाशन के तालिका अनुसार आब हफ्ता में 48.5 घंटा लोड सेटिंग हैत। ऐसे पहिने हफ्ता में 63 घंटा लोड सेटिंग होत आयल छल। नया तालिका अनुसार एक दिन 6 घंटा, एक दिन 7 घंटा, 3 दिन 6.5 घंटा, 2 दिन 8 घंटा लोड सेटिंग हैत। प्राधिकरण ढलके बर लगायत पूर्व तथा कोहलपुर लगायतक पश्चिम क्षेत्रक हक में स्थानीय रूप में लोड सेटिंग सूचना बाद प्रकाशित कर लागू करत जनौलक अछि। तहिना औद्योगिक क्षेत्र में 7-6 बजे दिस रात 11 बजे धरि लोड सेटिंग हैत, प्राधिकरण उल्लेख कयने अछि। साउन 10 गते के नेपाल बंद के क्रम में राजधानी के मीन भवन में टैक्सी में आगजनी के ने आरोप में पकड़ाऊ पड़ल नेकपा माओवादी विप्लव समूहक दुई नेता 15 दिन बाद रिहा भेल छथि। अखिल नेपाल क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन महासंघक सचिव भानुभक्त आचार्य आ माओवादी काठमांडू जिला कमिटीक सदस्य नवीन बिष्ट के काठमांडू जिला अदालत धरौटी में रिहा केने अछि। जिला अदालत काठमांडू ओसब के जनहित 50,000 धरौटी में रिहा कर आदेश देने क्रांतिकारी पत्रकार संगठनक उपत्यका विशेष ब्यूरो संयोजक जन्मदेव जैसी जानकारी देलन अछि। संघीय गठबंधन संविधान संशोधनक लेल प्रक्रिया शुरू कर सरकार के दबाव देब लागल अछि। संघीय समाजवादी फोरमक कार्यालय 3 कुने में बुध दिन बैसल गठबंधनक बैसार सहित घोषणा सहितक मंत्री परिषद से कर पड़बाक निर्णय सब 2 दिन भीतर समाप्त होब सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। ई काज 7 दिन भीतर करत कहल गेल छल। आई 6म दिन अछि। रामसपाक महामंत्री केशव झा कहलनि आब 2 दिन भीतर समाप्त हैत सरकार के कहने छी। मृतक के नाम सब गृह मंत्रालय अपन चैनल से संकलन कर रहल अछि। तब मधेशी मोर्चा से हो अपन स्तर में संकलन केने जनौलक अछि। आब ई सरकार के बुझाब आ मंत्री परिषद से जल्दीए निर्णय कर आग्रह करबाक सहमति भेल झा बतौलन अछि। मंत्री परिषद से कर पड़बाक निर्णय सब केने बाद संविधान संशोधनक लेल प्रक्रिया शुरू कर पड़बाक गठबंधनक जोर अछि। एक हफ्ता भीतर मंत्री परिषद से कर पड़बाक निर्णय सब कऽ दोसर हफ्ता से संविधान संशोधन संबंध में छलफल करबाक कहने छल। जिला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनसा स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च कर आयल रकम के 50% रकम सेहो खर्च कर नहीं सकल अछि। जिला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनसा के विभिन्न कार्यक्रम सूर्तिजन्य पदार्थ स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार क्षय रोग निवारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा तालीम स्वास्थ्य प्रयोगशाला एकीकृत जिला स्वास्थ्य कार्यक्रम एड्स तथा यौन रोग नियंत्रणक लेल विभिन्न शीर्षक में 7 करोड़ से बेसी रकम आयल छल। मुदा स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य कार्यालय ओहि में से 3,20,01,000 रकम खर्च कर नहीं सकलाक बाद नेपाल सरकार के खाता में फिरता गेल अछि। जनस्वास्थ्य खर्च कर नहीं सकल शीर्षक सब में से सबसे बेसी रकम एकीकृत जिला स्वास्थ्य कार्यक्रम शीर्षक के अछि। स्वास्थ्य कार्यक्रमक 2,61,77,000 रकम फिरता गेल अछि। नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवा विभाग से आयल कुल बजट में
4,22,00,000 रकम स्वास्थ्य संबंधी तालीम जनचेतना अभिवृद्धि लगातक कार्यक्रम सब कैल गेल जनस्वास्थ्य प्रमुख सचिदानंद देव जनौलन जनस्वास्थ्य कार्यालयक बमोजिम मधेश आंदोलन क्रम में कर्मचारी सब गांव तह में प्रवेश कर नहीं सकला से रकम खर्च नहीं भ फिरता पठाव के अवस्था आयल छल। आब इंटरनेशनल न्यूज सीरियाली शहर एलेप्पो में रहल चिकित्सक अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा संग सहयोगक लेल अपील केलक अछि। एलेप्पो में रहल 29 गोटे फिजिशियन राष्ट्रपति ओबामा के पत्र लिख कर सहयोगक लेल अपील केने अछि। ओ सब एलेप्पो में रहल 2,50,000 नागरिक के लेल सहयोग के व्यवस्था क देब आग्रह केने अछि। अखन स्वास्थ्य सेवा प्रदायक ऊपर आक्रमण भ रहल आ यह दौर में आक्रमण भेल आब के एक महीना भीतर एलेप्पो में केओ सेहो चिकित्सक बाकी नहीं रह वाला पत्र में उल्लेख अछि। चिकित्सक सब राष्ट्रपति ओबामा संग एलेप्पो के नो फ्लाई जोन घोषणा क के हवाई आक्रमण रोक आग्रह केने अछि। अही बीच रूस बृहस्पति दिन से एलेप्पो में 3 घंटा आक्रमण बंद करबाक बतौलक अछि। ओ समय में राहत सामग्री जाय देब रूस के कहब अछि। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।